नाजरीन, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा है कि रवां बरस अब तक जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में 50 अस्करियत पसंदों को मार गिराया गया है, जिनमें 10 गैर मुल्की अस्करियत पसंद भी शामिल थे। फौज का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अहूटू गांव में गुज़श्ता रोज 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जबकि इब्तदाई फायरिंग में एक फौजी एहलकार भी जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों ने राफरार अख्तियार करने की खातिर गैस सिलेंडरों से भरे एक गोदाम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिलेंडर जोरदार धमाकों के साथ फट गए। तमाम सलामती अमले ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। दिफाई तर्जुमान ने अहूटू कुलगाम तसादम के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज को मुसद्दी का इतला मौसूल होने के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार मुजतबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक तसादम छिड़ गया। नाजरीन, पुलिस ने कहा कि जवाबी कार्रवाई शुरू करने से कबल आसपास रिहायश पजीर लोगों को महफूज मुकाम की ओर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद रिहायशी मकान में मैसूर जंगजुओं को खुद सुपुर्दी करने का भी भरपूर मौका फराहम किया गया। मौसम तर्जुमान ने बताया कि जंगजू ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में एक फौजी जख्मी भी हुआ, जिसको इलाज मौलजे की खातिर फौजी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके बाद अब इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है, जिनकी बाद में शिनाख्त मोहम्मद शफी गनाई सेखना बटपुरा कुलगाम और मोहम्मद आसिफानी उर्फ यावर सेखना तकिया गोपालपुरा कुलगाम के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि मरने वाले मिलिटेंट जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे।